नमस्कार, मैं वरुण कुमार, आप देख रहे हैं मनी नाइन झटपट। निवेशकों में यूलिप को लेकर एक अलग ही आकर्षण होता है क्योंकि ये निवेशक को बीमा और निवेश दोनों का फायदा देता है। बड़ी संख्या में लोग टैक्स बचाने के लिए भी यूलिप में निवेश करते हैं। अगर आप टैक्स फ्री कमाई के लिए यूलिप खरीदने की योजना बना रहे हैं तो नए सिरे से सोच विचार कर लीजिए। आयकर विभाग ने यूलिप पर टैक्स की गणना को लेकर नए नियम जारी किए हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT की अधिसूचना के मुताबिक अब यूलिप के जरिए टैक्स फ्री आय का आप पूरा आनंद नहीं ले पाएंगे। अब यूलिप में कैपिटल गेन्स की गणना के लिए नियमों को स्पष्ट किया गया है और इनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल बजट 2021 में ये प्रस्ताव लाया गया था कि अगर यूलिप में सालाना निवेश 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो रिटर्न पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। निवेश की ये सीमा 1 फरवरी 2021 को या इसके बाद खरीदी गई पॉलिसीज पर लागू है। इससे पहले के यूलिप पर रिटर्न टैक्स फ्री है। हालांकि इसका फ्रेमवर्क क्या होगा इसको लेकर स्पष्टता नहीं थी। अब नए नियमों के तहत टैक्स छूट के लिए नए और पुराने दोनों यूलिप के कुल प्रीमियम को जोड़कर टैक्स में छूट पर विचार किया जाएगा। अगर सालाना प्रीमियम 2.5 लाख रुपये से अधिक है तो इससे ऊपर वाले निवेश पर छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे होने वाली आय पर कैपिटल गेन्स टैक्स भी लागू होगा।